हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल MNP नॉलेज स्कूल। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है। ITR फॉर्म भरते समय पूरी और सही जानकारी देना ज़रूरी होता है। अगर आप कुछ गलती करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर भारी जुर्माना लगा सकती है। इसलिए जानते हैं ITR फॉर्म करते समय किन 10 गलतियों से बचना ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस मिलते रहें। दोस्तों, सबसे पहला है बैंक से मिले ब्याज की जानकारी ना देना। हर सेविंग अकाउंट पर बैंक साल में 4 बार अकाउंट में मौजूद रकम पर खाता धारक को ब्याज देता है। ब्याज की ये रकम अकाउंट में ही जुड़ जाती है। ब्याज के रूप में मिली रकम आपकी इनकम मानी जाती है और ऐसे में रिटर्न में इस रकम को भी भरना ज़रूरी होता है। हालांकि इनकम टैक्स के सेक्शन 80 TTA के अनुसार बचत खाते पर मिली 10,000 रुपये तक की ब्याज टैक्स फ्री होती है। यहाँ ध्यान रखें दोस्तों, अगर आपके पास एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो आपको हर बैंक अकाउंट से मिले ब्याज की जानकारी देना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी भी प्रकार से मिले गिफ्ट का जिक्र ना करना। अगर आपको कोई भी ऐसा गिफ्ट मिला है जिसकी कीमत 50,000 रुपीज़ यानी 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो उस पर टैक्स देना होगा। हालांकि शादी या वसीयत के रूप में ये नज़दीकी रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट, ये सब टैक्स छूट के दायरे में आते हैं। दोस्तों, यहाँ नज़दीकी रिश्तेदारों का मतलब होता है जीवन साथी, भाई या बहन, जीवन साथी का भाई या बहन, माता पिता के भाई या बहन, अपने पूर्वज या वंशज, अपने जीवन साथी के पूर्वज या वंशज। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी कंपनी से एक फाइनेंशियल ईयर में 5,000 रुपीज़ मूल्य तक का ही मिला उपहार टैक्स फ्री होगा। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आपको मिलता है तो इससे ज़्यादा रकम को आमदनी मानी जाती है और उस पर टैक्स देना होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, पिछली कंपनी की सैलरी का जिक्र ना करना। अगर आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में जॉब बदली है तो आपको रिटर्न फाइल करते समय पिछली कंपनियों से मिली सैलरी का भी जिक्र करना होगा। इसके लिए आपकी पिछली कंपनियों से भी फॉर्म 16 लेना होगा। इस सूरत में अगर ITR भरते समय कोई परेशानी आती है तो CA से ज़रूर संपर्क करें। नेक्स्ट है दोस्तों, शेयर, म्यूचुअल फंड, इन सब का खुलासा ना करना। दोस्तों, ITR भरते समय शेयर, म्यूचुअल फंड, कैपिटल गेंस, फिक्स डिपॉजिट से ब्याज के रूप में होने वाली इनकम का भी खुलासा करना ज़रूरी होता है। साथ ही अगर आपके पास अनलिमिटेड कंपनियों के शेयर हैं तो भी ITR फॉर्म में इसका जिक्र ज़रूर करें। ऐसा ना करने पर पेनल्टी देनी पड़ सकती है। नेक्स्ट है दोस्तों, टैक्स फ्री इनकम की डिटेल ना देना। ऐसी कई सारी इनकम होती है जो टैक्स फ्री होती है। ITR फॉर्म भरते समय इस इनकम का भी खुलासा करना ज़रूरी होता है। टैक्स फ्री इनकम में कृषि, सरकारी बचत योजनाओं में जैसे कि PPF, NPF, NPS आदि के साथ ग्रेचुइटी, डिविडेंड या सरकार से इनाम में मिली राशि आदि शामिल होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, विदेश में मौजूद संपत्ति को ना बताना। अगर आपकी विदेश में कोई संपत्ति या बैंक अकाउंट है या विदेश में काम किया है तो उसका भी जिक्र ज़रूर करना चाहिए। भारत से बाहर भी अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर हैं तो भी उनकी जानकारी का खुलासा करना होगा। अगर किसी विदेशी संस्था या कंपनी में लाभार्थी हैं तब भी आपको इनकी जानकारी ITR फॉर्म भरते समय देनी होगी। नेक्स्ट है दोस्तों, रिटर्न भरने के बाद उसे वेरीफाई ना करना। ITR फाइल करने के बाद उसे वेरीफाई करना ना भूलें। ITR फॉर्म को CPC बेंगलुरु भेजकर या SMS या आधार से टैक्स रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हैं। ITR फॉर्म भरते समय नाम की स्पेलिंग, पूरा पता, ईमेल, मोबाइल नंबर आदि सही भरें। फर्जी रसीदों के जरिए टैक्स बचाएं।
टैक्स से बचने के लिए कुछ लोग झूठे दान, फर्जी किराए की रसीदें, फर्जी लोन के कागज, बच्चों की पढ़ाई के नाम पर फर्जी फीस रसीदें, नकली निवेश की रसीदें आदि का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने से आप मुश्किल में पड़ सकते हैं, तो ऐसा करने से ज़रूर बचें। नेक्स्ट है दोस्तों, फॉर्म 16 या फॉर्म 26 AS का मिलान ना करना। ITR भरने से पहले कंपनी की ओर से मिलने वाले फॉर्म 16 का फॉर्म 26 AS से ज़रूर मिलान करें। फॉर्म 26 AS को वेबसाइट IncomeTaxIndiaEfiling.government.in से लॉगिन करके देखा जा सकता है। अगर दोनों फॉर्म में कोई अंतर है तो आयकर विभाग या अपनी कंपनी या TDS काटने वाले व्यक्ति से ज़रूर संपर्क करें दोस्तों। नेक्स्ट है, प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की जानकारी ना देना। जिस असेसमेंट ईयर का ITR फाइल कर रहे हैं उसके फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या बेची है तो उसकी भी जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। आप जितने की प्रॉपर्टी बेचते हैं उतने की नई प्रॉपर्टी खरीदने पर कोई टैक्स नहीं लगता है। हालांकि इन मामलों में कोई टैक्स नहीं देना होता है, जैसे कि घर बेचने के बाद 2 साल के अंदर अपना नया घर खरीदा हो, घर बेचने के बाद 3 साल के अंदर नया घर बनवाया हो, या घर बेचने के पहले 1 साल के भीतर अपना नया घर खरीदा हो। नई प्रॉपर्टी उसी के नाम हो जिसने प्रॉपर्टी बेची है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें हैं जो आपको ITR फॉर्म भरते समय ध्यान देना चाहिए और गलतियों से ज़रूर बचना चाहिए। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।